आप ये अभी कौन सी फिल्म देख के आए हैं? मैंने अच्छी मूवी देखी है मैंने। माय नेम इज़ फायर, मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं इस फिल्म से मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि दिस इज मूवी इज़ वेरी नाइस। मैन इज़ वेरी नाइस। इस मूवी से हमें देखने से ये प्रचार होता है कि भी हमें ना तो नशा करना चाहिए, ना हमें घर में मारपीट वगैरह करनी चाहिए। जो जेंट्स आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें अच्छी रखनी चाहिए। हमारे बच्चे जो आगे की जनरेशन जो चलने वाली है हमें उन्हें बहुत अच्छा बना करके रखना चाहिए। नेक्स्ट मूवी में हम ये चाहते हैं वो लड़कियों के लिए और जो आने वाली जो जनरेशन है बच्चों की लड़कियों की उनके लिए वो क्या करें। इस मूवी में आपको कौन सा सीन ऐसा जो हॉट टचिंग सीन लगा, कौन सा सीन? सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ के लिए उन्होंने दिखाया, जो मैटर था उन्होंने दिखाया था कि भी लड़कियों को वैश्या प्रवृत्ति से उनको बदल के रखा है, तो ये मैटर बहुत अच्छा था उनके लिए और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। तो आगे नेक्स्ट हम उस चेन में देखना चाहते हैं कि भी ये अब आगे लड़कियों के लिए क्या करेंगे। तो ये गुरु जी कह रहे हैं हम और भी मूवियाँ बनाते जाएंगे, हर एक जो भी बुरी प्रवृत्ति चल रही है उसको हम मिटाते जाएंगे। तो ये नेक्स्ट मूवी सुनने में आया है कि ये जो बाल विवाह पे मूवी बन रही है और नेक्स्ट मूवी बन भी गई है पूरी की पूरी फिल्म, तो उसको भी आप देखने आओगे उस मूवी शो। और लोगों को इसके बारे में क्या मैसेज दोगे? लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि भी जहाँ तक हो सके अपने घरों में ना तो नशा करो, ना अपनी बीवियों को मारो, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत करो और जहाँ तक कि औरतों को सम्मान दो। एक आपने मैम देखा आपने फिल्म पहले भी बहुत देखी होगी अपनी फैमिली के साथ देखी। ये इस फिल्म में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपको, इस फिल्म में इतनी अच्छी बात ये देखी गई है कि जहाँ आज की मूवीज़ में गंदी पिक्चर्स और ये मूवीज़ जो देखने में आ रही है, हम आने वाली जनरेशन के साथ बैठ करके अपने माता पिता के साथ देख सकते हैं उस मूवी को। सबसे बड़ा पॉइंट आया था जब मूवी रिलीज हो रही थी तब सेंसर बोर्ड ने बोला था उनकी अध्यक्ष ने इसमें देखने लायक ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स में बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, सुनने में भी बहुत कुछ आता है, लेकिन देखने वालों को पता लगता है कि वो क्या चीज़। मतलब आप भी ये कहना चाहोगे कि एक बार देखो, एक बार देखो तो आपको भी पता लगेगा कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। एक पॉइंट है मैम, पंजाब में इस फिल्म को बैन किया गया है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्यों बैन किया गया है? वो दुनिया की सोच है, अगर उनके अंदर जज्बा है दुनिया को, अगर वो कह रहे हैं कि हम दुनिया को हर जगह साफ़ सफाई करेंगे, मोदी जी ने भी ये कहा है हम साफ़ सफाई करेंगे, अगर इस बात को दर्शाना चाहते हैं तो वो जरूर इस मूवी को देखेंगे। अगर उनको अपनी जगह वो गलत लगता है तो वो गलत लगेगा, क्योंकि वो अपना प्रचार चाहते हैं, वो औरों का प्रचार नहीं चाहेंगे। थैंक यू।